हे गाइस, वेलकम टू टेक कैफे के चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं दो मिड रेंज कैटेगरी स्मार्टफोन के बारे में जो कि लेटेस्ट ही लॉन्च हुए हैं, जिसमें से एक स्मार्टफोन है रियलमी 7 प्रो जो कि 3 सितंबर को लॉन्च हुआ था, यानी 4 दिन ही हुए हैं, और जो 20,000 रुपीज की इनिशियल प्राइस में लॉन्च हुआ था। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन प्राइस ऐसा कहा जा रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसी प्राइस पर ही इसको परचेज करना पड़ेगा। और दूसरा स्मार्टफोन है वो है सैमसंग की तरफ से, लास्ट मंथ लॉन्च हुआ था सैमसंग का M31S, वो भी इसी प्राइस पे आता है, 19,500 रुपीज़ की इनिशियल प्राइस है और उसमें भी आपको स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे में शायद आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगी कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रह सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऑन पेपर स्पेक्स हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो इससे ही हमारे को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रियल लाइफ में थोड़ा सा कंपैरिजन अलग हो जाता है, उसमें रियलिटी पता लगती है स्मार्टफोन की कि एक्चुअल में कैसा स्मार्टफोन है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ऑन पेपर स्पेक्स से। तो गाइस, वीडियो को पूरी देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो गाइस, हम दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन पॉइंट बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि जो भी स्मार्टफोन जिस फीचर में अच्छा है उसको एक पॉइंट दे देंगे। ऐसे ये होगा कि एंड में हमें पता लग जाएगा कि किस स्मार्टफोन को ज़्यादा पॉइंट मिले हैं और आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। दोनों में ही आपको पंच होल डिज़ाइन देखने को मिलता है, सिर्फ अंतर यह है कि सैमसंग में आपको सेंटर में पंच होल देखने को मिलेगा और रियलमी 7 प्रो में आपको लेफ्ट साइड पंच होल मिलेगा। और बैक की बात करें तो आपको दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, लेकिन अंतर यह है कि आपको सैमसंग में थोड़ा सा ओल्ड ग्रेडियंट डिज़ाइन मिलता है जो आपने पहले भी देखा होगा। वहीं बात करें अगर रियलमी 7 प्रो की तो आपको न्यू डिज़ाइन मिलता है, न्यू ग्रेडियंट डिज़ाइन मिलता है जो देखने में अच्छा है, जिससे रियलमी 7 प्रो डिज़ाइन के अंदर काफ़ी अच्छा है। तो रियलमी 7 प्रो को डिज़ाइन में एक पॉइंट मिलता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है डिस्प्ले। अब गाइस देखिए, दोनों में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ आती है। सिर्फ अंतर यह है कि आपको साइज में डिफरेंस मिलता है। सैमसंग में आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और रियलमी में आपको 6.4 इंचेस की। तो ऐसे में डिस्प्ले दोनों की सेम है, तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि कौन सी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे में दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलता है जो कि टाई हो जाता है डिस्प्ले के मामले में। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है कैमरा। अब गाइस देखिए, कैमरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए। दोनों में ही आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है दोनों ही स्मार्टफोन्स में, और जो सेंसर यूज़ हुआ है वो भी सेम है, सोनी का IMX682 सेंसर है, जिससे आपको शायद डिफ़िकल्टी हो कि दोनों में से कौन से स्मार्टफोन में ज़्यादा अच्छी फ़ोटो कैप्चर होगी। तो ऐसे में अब बात आती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि सेंसर सेम है तो सॉफ्टवेयर के ऊपर बात आ जाती है कि किस में ज़्यादा अच्छी इमेज प्रोसेसिंग है। वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस में आपको अच्छी मिलेगी, सैमसंग में भी अच्छी मिलती है फोटो, आपको रियल में भी अच्छी मिलती है। और उसके अलावा बात करें अगर बाकी कैमरे की, तो आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है सैमसंग में और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है रियलमी में, और 5 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स मिलते हैं आपको सैमसंग में, और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमरा मिलते हैं आपको रियलमी में। तो कैमरा डिपार्टमेंट में सैमसंग जो है क्लियर विनर है ऑन पेपर स्पेक्स के मामले में। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको दोनों में ही 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और SDR का सपोर्ट मिलता है दोनों में। तो ऐसे में ये भी कैमरा सेम है फ्रंट में, सिर्फ आपको डिफरेंस मिलता है कि आपको सैमसंग में फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो शूट कर सकते हो, वहीं आप रियलमी 7 प्रो से फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो कैमरा डिपार्टमेंट में सैमसंग जो है क्लियर विनर है, तो सैमसंग को एक पॉइंट मिलता है कैमरा सेक्शन में। उसके अलावा 4 मेजर पॉइंट है परफॉर्मेंस। अब गाइस देखिए, परफॉर्मेंस में एक मेजर डिफरेंस आ जाएगा दोनों स्मार्टफोन में, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अलग है। बात करें अगर सैमसंग M31S की, तो आपको एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर मिलता है जो कि सैमसंग का ही एक प्रोसेसर है, ओल्ड हो चुका है अब, लेकिन ठीक प्रोसेसर है, काफ़ी कैपेबल है अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। वहीं बात करें अगर रियलमी 7 प्रो की, तो आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है जो कि काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है अगर आप इसमें गेम खेलते हो या फिर आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस देखिए, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G जो है ज़्यादा अच्छा है 9611 से, क्योंकि अगर आप एक टेक रिलेटेड गाय हो तो आपको पता लगा कि सैमसंग का जो प्रोसेसर है 9611, उसमें आपको लैग देखने को मिलता है, फ्रेम ड्रिप देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो या फिर क्रोम में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो आपको हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप मिलेगा, या फिर अगर आप ऐप पे स्विच करते हो तो भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग के इस प्रोसेसर के लिए डिसएडवांटेज है। वहीं अगर स्नैपड्रैगन की बात की जाए, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल ईजिली आप जो है कोई भी ऐप या फिर कोई भी गेम इसमें चला सकते हो। तो यहाँ पे रियलमी के तरफ एक एडवांटेज है और रियलमी को एक पॉइंट मिलता है परफॉर्मेंस की तरफ।
उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है बैटरी। सैमसंग में आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है, वहीं बात करें अगर रियलमी की तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सैमसंग में क्लियरली ज्यादा है बैटरी। सैमसंग इज द क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ बैटरी, तो इसमें कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। उसके अलावा बात करेगा चार्जिंग की, तो यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सैमसंग की बात करें तो आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिलता है, और सैमसंग की तरफ से देखा जाए तो ये पहली बार है कि सैमसंग ने किसी मिड रेंज कैटेगरी में इतना बड़ा चार्जर दिया हो। लेकिन जब सामने कॉम्पिटिटर है रियलमी 7 प्रो, तो कॉम्पिटिशन क्लियर हो जाता है, क्योंकि इस रियलमी में आपको मिलता है 65 वॉट का मैसिव चार्जर, जो कि आपको बॉक्स में ही मिलता है, तो इससे कंपटीशन ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि 25 वॉट और 65 वॉट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ रियलमी इज़ द क्लियर विनर, रियलमी को एक पॉइंट मिलता है चार्जिंग में। और उसके अलावा नेक्स्ट जो फीचर है वो है सिक्योरिटी का, कि आपको दोनों में ही सिक्योरिटी मिलती है। सैमसंग की बात करें तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है और फेस अनलॉक भी मिलता है, वहीं बात करें अगर रियलमी की तो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है और फेस अनलॉक दोनों मिलते हैं, और बैटरी में सैमसंग की तरफ पॉइंट जाता है। तो ऐसे में कहना मुश्किल है कि आपको कौन सा ज़्यादा सुटेबल लगता है, क्योंकि बात की जाए अगर सैमसंग की तो उसमें आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट मिलता है, वहीं बात करें अगर रियलमी की तो आपको उसमें वर्चुअल फिंगरप्रिंट मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही काफ़ी फास्ट हैं। वैसे फिजिकल फिंगरप्रिंट को ज़्यादा फास्ट माना जाता है, लेकिन अब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा फिंगरप्रिंट ज़्यादा फास्ट है। इस फीचर में दोनों फोन्स को एक एक पॉइंट मिलता है। तो गाइस ये कुछ मेन फीचर्स थे जो एक स्मार्टफोन में ज़रूरी होते हैं कि अच्छे हों, और उसके अलावा भी और फीचर्स हो सकते हैं जो कि अदर फीचर्स में काउंट हो सकते हैं। जैसे सैमसंग में आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, और उसके अलावा आपको सिक्योरिटी जो है ज़्यादा इन्हेंस मिलती है, आपका डाटा जो है पूरी तरह से सेफ रहेगा। वहीं बात करें अगर रियलमी की तो आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि आपके लिए एक एडवांटेज हो सकते हैं अगर उनका साउंड आउटपुट अच्छा हुआ। और उसके अलावा बात करें और फीचर्स की, तो उसमें आपको रियलमी में आपको कैमरा के अंदर और इन्हेंसमेंट मिलती है, ऐसा रियलमी का कहना है। तो गाइज ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब बात आती है टोटल पॉइंट्स पे, तो आपको सैमसंग में मिलते हैं 7 में से 4 पॉइंट्स, और बात करें अगर रियलमी के तो आपको 7 में से मिलते हैं 5 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि रियलमी जो है एक बेटर डील प्रोवाइड करवा रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑन पेपर स्पेक्स, तो आपके लिए रियलमी अच्छा हो सकता है। लेकिन गाइज मैंने पहले ही कहा था कि ऑन पेपर स्पेक्स रियल लाइफ स्पेक्स से थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आपको सिर्फ आइडिया हो सकता है कि रियलमी इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि गाइज हम सभी को पता है कि चाइनीज़ कंपनियों में अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइज अभी भी थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल रहता है कि रियलमी में या फिर कोई और चाइनीज़ कंपनी में डाटा सेफ रहेगा, तो ये एक बिग इशू रह सकता है। तो गाइज इस वाली वीडियो में इतना ही था, यही बताना था कि आपको सैमसंग M31s चूज़ करना चाहिए या फिर रियलमी 7 प्रो। वैसे गाइज ये आपके ऊपर है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है एक स्मार्टफोन को लेकर, कि आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको बैटरी या फिर कैमरा चाहिए, वो आपके ऊपर है। बाकी मैंने आपको ऑन पेपर स्पेक्स बता दिए हैं। तो गाइज इस वाली वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।